श्री जगन्नाथ किए? प्रभु श्री जगन्नाथंकर जन्म केबे होइथिला? केमिति श्रीक्षेत्र पुरी को आसीथिले प्रभु श्री जगन्नाथ? प्रभु जगन्नाथंकर हात पाद गला कुआडे? आसन जानिबा संपूर्ण खबर प्रभु श्री जगन्नाथंक गुप्त रहस्य। भारत देशर चारि क्षेत्र मध्यरु पुरी मध्य एक तीर्थ क्षेत्र, जोठारे कि पूजा पाउछंती जगतर नाथ जगन्नाथ। हेले प्रभु श्री जगन्नाथंकर विग्रह प्रतिष्ठा मंदिर प्रतिष्ठा केमिति होइतिला? कौन रही पौराणिक मत, कौन रही ऐतिहासिक मत, आसंतु जानिबा संपूर्ण खबर। थरे प्रभु श्री कृष्ण कालिंदी जंगल को आराम करिबा सकाशे आसीथिले एवं से गोटे गछ मूले आराम रे सोइथिले। ठीक सही समय रे सही स्थान को एक स्थानीय शबर शिकार सकाशे आसीथिले जहांकर नाम थिला जारा शबर। सकाळु आसी संध्या पाइगला किंतु कौनसी एक शिकार रो संधान से पाई नथिला। शेषरे जदि खाली हाथरे घर को जाए निज परिवार भोकरे सोइबे। एही कथा को भाभी भाभी से मध्य एक गछ मूले बसी पड़िला। एपटे प्रभु श्रीकृष्ण गोटे गछ मूले सोई निज गोड़ पर गोड़ रखी आराम रे शयन करि थांती। ठीक सही समय रे जारा सवर को दिसिला प्रभु श्री कृष्ण को पाद। से भाविला से पादटी पाद नुहे, से भाविला जे कौनसी एक मृग तथा हरिणर कान मत देखा जाऊ। से काल विलंब न करी से प्रभु श्रीकृष्ण पाद को मृगर कान भावी कर्ण भावी स्वरबिद्ध करदेला। সেই সররে যাই প্রভুঙ্ক পাদদেশরে বাজিলা। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ দুঃখরে কষ্টরে চিৎকার করিবাকু লাগিলে। দূরু যেতেবেলে জারাসবর প্রভু শ্রীকৃষ্ণঙ্ক চিৎকার শুনিলে ধাই আসি প্রভু শ্রীকৃষ্ণঙ্ক পাখরে পৌঁছি গলে এবং হঠাৎ প্রভু শ্রীকৃষ্ণঙ্কু দেখি সে আশ্চর্য হয়ে পড়লে। সে দেখিলে নিজ স্বর যাই কোণসি এক মৃগর কর্ণরে বাজি না, বরং বাজি অছি প্রভু শ্রী কৃষ্ণঙ্ক পাদ দেশরে। সে প্রভু শ্রী কৃষ্ণঙ্কু ক্ষমা প্রার্থনা করে, হে প্রভু মতে এই দোষরু ক্ষমা কর, মু এক মৃগর কর্ণ ভাবি আপনঙ্ক পাদকু স্বরবিদ্ধ করে দেইছি, মতে তুমি ক্ষমা কর হে প্রভু, মতে তুমি ক্ষমা কর। ঠিক সেই সময় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কহতি, হে জারাসবর তুমর এটি কোণী দোষ না, বরং এ হচ্ছে মোর পূর্বজন্মর ফল। এতিকি কহি প্রভু শ্রীকৃষ্ণ জারাসবরঙ্কু কহতি, হে জারাসবর তুমি আউ কাল বিলম্ব ন করি মোহরি সখা অর্জুনঙ্কু এই স্থানকু নিমন্ত্রণ কর। ঠিক সেই সময়রে জারাসবর যাই সখা অর্জুনঙ্কু সেই স্থানকু নিমন্ত্রণ কলে। সখা অর্জুন আসি প্রভু শ্রীকৃষ্ণঙ্ক সেই অবস্থাকু দেখি প্রভু শ্রীকৃষ্ণঙ্কু প্রশ্ন কলে, হে সখা তুম্ভরি এই অবস্থা কিয়ে কলা? ঠিক সেই সময়রে জারাসবর নিজের ভুলকু মানি কহন্তি, হে অর্জুন প্রভু শ্রীকৃষ্ণঙ্কর এই অবস্থা মুই ছাড় মূর্খ করিছি। যেতবে সমস্ত স্থানরে শিকার খোঁজি ন পাইবার শেষে গোটে গছ মূলে বসি পড়লি, প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পাদ মতে হরিণর কান পরি দেখা গলা এবং মু আউ কাল বিলম্ব ন করি প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পাদকু হরিণর কান ভাবি স্বরবিদ্ধ করিদেলি এবং এরপরে এইসব ঘটিগলা। ঠিক সেই সময় অর্জুন রাগি যাই স্বরনিক্ষেপ করতে সেই জারাসবর পাখক, কিন্তু প্রভু শ্রীকৃষ্ণ
अर्जुन सखा को मना कर दे। हे सखा अर्जुन, एक घटन जारार कौन दोष ना बर से तार पितृण सुझी। ये हूँ पूर्वजन्मर कर्मर फल, कारण पूर्वजन्मे जारा थिला अंगद एवं तहार पिता थिले बाली एवं तुम्हें थिलो सुग्रीव, तुमर शत्रु थिले बाली जहाँ कि मु लुचि लुचि सरबिद्ध करी। से पूर्वजन्मर पितृण आज जारा सबर सुझी अच्छी। ठीक से ही समय रे अर्जुन कहती, हे प्रभु, मु एक छार मनीषटीए, मुते कथा कौटू जानी। एतिकी कही सारे प्रभु श्रीकृष्ण कहती, हे सखा, आउ काल विलंब न करी आस, शेषे मरवा समय रे निज सखा को टिके आलिंगन कर। किंतु अर्जुन मना कर दिले, मना करी कहिले, हे प्रभु, आपण को छुईवापाई मोहरी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर मत मना कर। प्रभु श्रीकृष्ण यह कथा को शुणी अत्यंत मर्माहत हो गले। हे सखा, मु कौन तुम पांच भाई किछि करि नाही, मु कौन तुम पांच भाई हितरे सुख दुखरे सहभागी होइना ही, ताहले मरीबा समय रे काहे कि मते अनादर करू जो हे सखा अर्जुन। ठीक से समय अर्जुन कहंती, हे सखा, तुम्हें तो जानी अछो मु केबे हेले मध्य मोहरी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिरंकर कथा को अमान्य करिना ही, मते क्षमा कर देव। हे सखा, मते क्षमा कर देव। ठीक यही समय रे प्रभु श्रीकृष्ण अभिमान करी शेषे प्राणत्याग कले। जिते प्रभु श्रीकृष्ण प्राणत्याग कले, जारा अर्जुन चिंता कले प्रभु श्रीकृष्ण मर शरीर को नहीं केमी दाह करे, से जंगल रु काठ आनी प्रभु श्रीकृष्ण मर शरीर को उड़ाइवा चेष्टा कले। आश्चर्य कथा, हाथ गोड़ सब पोड़गला, किंतु प्रभुंकर शरीर मध्यम भाग अर्थात पिंडटी पोड़ा ना। से कथा को भावी चिंता करने समय रे शून्य आकाश रे शून्यवाणी है, हे जरा अर्जुन, तुम्हें जिते चेष्टा कले मोहरी पिंड को पोड़ाई पार ना, तुम्हें जी पिंड टी मुह दधि भसाई दियो। एति कथा परे से दुहे बाहरी पड़िले मुह दधि कूल को प्रभु पिंड को मुह दधि भसाई देले। यहाँ अनेक समय बीतीगला, अर्जुन से विदाय ने जरा सबर से स्थान प्रभुंकर पिंड को भाष्यमान अवस्था देखुवा समय पुणी थे शून्य आकाश में शून्यवाणी है। शून्यवाणी रे प्रभु श्रीकृष्ण आसी कहिले, हे जारा सबर, तु हूँ मोर परम भक्त, पूर्व जन्मर अभिशाप रे जदि तु मते सरबिद्ध करन थांतु ताहेले मु एही जन्मरु श्रीकृष्ण अवतार मोर शेष हो न थांता। तेणु बांकी महान रे मोहरी अपोड़ा ब्रह्म ज्योति भासुथिबो, ताकु नै तु कोनसी को गुंफा रे गुप्त भाव रे नीलमाधव नाम पूजार्चना देवु। एति कही शून्यवाणी शेष है। आसंता प्रभाते बाहरी पड़िले से ब्रह्मज्योति सकाशे, ब्रह्मज्योति को आनी गुप्त गुंफारे नीलमाधव नाम पूजार्चना देले। यहाँ परे अनेक दिन बीतीगला। मध्य भारत रे अवंती राज्य रे इंद्रद्युम्न नामक एक राजा रहुथिले। थरे सोईबा समय रे तांको स्त्री अर्थात रानी गुंडीचा को स्वप्न देश हला। स्वप्न रे आसी प्रभु श्रीकृष्ण कहिले, हे रानी गुंडीचा, मु होची प्रभु गोलक बिहारी विष्णु अर्थात श्रीकृष्ण, मोर श्रीकृष्ण अवतार शेष होइची, कलि युग आरंभ रे मुही
पुरी श्रीक्षेत्र चतुर्धा मूर्ति रूप से पूजा पाइबा को चाहूँ। तेणु कल्पवट सन्निकट नीलकंदर रे मंदिर तोलाई मते पूजा करिवार व्यवस्था करो। एतिकि कहि प्रभु श्रीकृष्ण स्वप्न रु चलीगले। प्राणी स्वप्न शेष हला। शेषे निद भांगिला। से समस्त कथा जाई निज स्वामी अर्थात इंद्रद्युम्न को समस्त कथा बखाणिले। इंद्रद्युम्न राजा समस्त मंत्री सेनापति दल को डकाई मंदिर निर्माण कार्य यथाशीघ्र से आरंभ करदेले। मंदिर कार्य शेष हला। किंतु मंदिर रे प्रभु श्रीकृष्णंकर अर्थात जगन्नाथंकर मूर्ति आसीब कौठ से सका चिंताग्रस्त हो राजसिंहासन बसी था। ठीक से ही समय रे एक तपस्वी लोक से ही गृह को प्रवेश कले एवं कहिले कलिंग राज्य रे पूर्व दिगरे कौन से एक स्थान रे गुप्त भाव रे प्रभु श्रीकृष्णंकर अन्य रूप अन्य नाम नीलमाधव रूप से पूजा पाउंट प्रभु श्रीकृष्ण ये सैन्य सामंत को पठाई प्रभु श्रीकृष्ण अर्थात नीलमाधव संधान करा जाओ एवं तांको मूर्ति को आनी श्री जगन्नाथों मंदिर रे स्थापना करा जाओ। यहा परे राजा इंद्रद्युम्न आउ काल विलंब न करी ओडिशार चतुर्दिग को चारि प्रकार सैन्य सामंत को पठाई देले। पूर्व दिग को पठाई देले तांकरी सेनाध्यक्ष भाई अर्थात विद्यापति को। विद्यापति बाहरी पड़िले से ही ओडिशा अर्थात कलिंग राज्यर पूर्व भाग को। जितेबले विद्यापति पूर्व भाग रे प्रभु नीलमाधव संधान करथांती ठीक सही समय रे गोटे स्थान रे सबरी झील माने फूल तोलिबापई आसीथिले। से संगे संगे से ही झील मानंक पाख को जाई तांकरी अवस्थिति तथा जंगल बाबद रे समानंकु प्रश्न पचारिथिले। आंभे होचु एही स्थानीय सबर मानंकर झील एवं मु होची एही सबर मानंकर राजा विश्ववासुंकर एकमात्र झील। एमती अनेक कथाबार्ता परे विद्यापति सहित ललितांकर मनरे प्रेम भाव जाग्रत हला। शेषे से माने विद्यापति निज कुटीर घर अर्थात बासगृह को निमंत्रण देले। एमती अनेक दिन परे विद्यापति एवं ललितांकर विवाह कार्य मध्य संपन्न हला। दिने विद्यापति देखिले एक आश्चर्यकर दृश्य। से देखिले जे ललितांक पिता अर्थात विश्ववासु सकाळ हेबा पूर्वरु रात्रिर चतुर्थ पहर रे फूल फल धरी कौनसी एक स्थान को जाउछंती। यहा सब देखि विद्यापति तांक स्त्री अर्थात ललितांक प्रश्न कले हे ललिता तुम्भरी पिता विश्ववासु सकाळ हेबा पूर्वरु फूल फल धरी से केउ स्थान को जाउछंती। यहाँ ललिता कहिले जे एही सब कथा कहिबा को मते पिताश्री विश्ववासु मना करि अछन्ति। सेहिती पय मु सेही कथा गुडी को आपन को कहि पारिबे नाही। अनेक ताकुति मिनती हेला परे विद्यापति को कथा को रखी ललिता विश्ववासु को नीलमाधव को पूजा करि जाउतबार कथा को अक्षर अक्षर सब कहि देले। एवं विद्यापति सेही समय रे ललिता को अनुरोध कले तुम्भ पिता को कह मु मध्य प्रभु नीलमाधव दर्शन अभिलाषी। ललिता जाई निज पिता अनुरोध करी कहिले हे पिता तुम्भरी ज्वाई अर्थात विद्यापति तुम्भ सहित प्रभु नीलमाधव दर्शन करिया पई चाहुचंती। किंतु राजा विश्ववासु संपूर्ण भाव मना करी देले। एमती अनेक कथाबार्ता परे विश्ववासु मध्य मानिगले। किंतु मानिबा पूर्वरु रखिले एक शर्त। से शर्तटी हला जेतेबेले विद्यापति को मु नेई सही गुंफा मध्य को जीवी तांकरी आखिरे लागिबो कोला कोना से प्रभु नीलमाधव को दर्शन करिवे। दर्शन करि सारिया परे
পুনি তাঙ্কৰি আখৰি লাগিব কলা কোনা এবং শেষৰে সে ঘৰকু আসিবে এই শর্তকু রখি বিদ্যাপতি এবং বিশ্ববাসু আসন্তা প্রভাতে বাহারি পড়িলে প্রভু নীলমাধবঙ্ক পাখকু সেটাকু গলে প্রভুঙ্কু দর্শন কলে এবং পুনি কলা কোনা বান্ধি নিজ ঘৰকু ফেরি আসিলে ইহাপরে পুনি অনেক দিন বিতিগলা বিদ্যাপতি নিজ রাজ্যকু ফেরিবা পাই ললিতাঙ্কু অনুরোধ কলে এবং নিজ রাজ্যকু ফেরি আসিলে রাজ্যকু ফেরি আসি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নঙ্কু সমস্ত কথা বুঝাই কহিলে ইন্দ্রদ্যুম্ন কাল বিলম্বন করি বিদ্যাপতিঙ্কু ধরি সেই স্থানকু ছুটি গলে বাটরে গলা বেলে সেমানঙ্কু দৃশ্যমান হেলা সরিষ গছ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রশ্ন কলে দেখুছ বিদ্যাপতি এই ঘোর জঙ্গল মধ্যে এমিতি সুন্দর সরিষ গছ কিয়ে যোগাইছি বিদ্যাপতি হসি হসি কহিলে হে রাজা যেতবে মতো বিশ্ববাসু এই স্থানক দর্শন করা আনি সে মো আখিরে গোটে কলা কোণা বাঁধি দিয়ে কিন্তু মু হুঁশিয়ার হয়ে মোর এক গণ্ঠিরে কিছু মাত্রার সরিষ মঞ্জি ধরিলি এবং বাটরে গলা বেলে মু সেই সরিষ মঞ্জি কু বিঞ্চি বিঞ্চি আসিলি যদ্বারা কি সময় পরে সময় বিতি যা যোগ এই স্থানরে এই সরিষ মঞ্জি সরিষ গছরে পরিণত হয়ে যাইছি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই কথা কু শুনি অত্যন্ত খুশি হয়ে গলে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এইসব কথা শুনি বিদ্যাপতিঙ্কু সাবাসি জনাইলে এমিতি কিছু বাট চালি চালি গলা বেলে কিছু সময় পরে সেমন আসি পৌঁছি গলে সেই গুম্ফা নিকটক গুম্ফারে পৌঁছি যেতেবেলে সেমানে প্রভু নীলমাধবঙ্কু দর্শন করিয়া পাই গুম্ফা মধ্যকু প্রবেশ কলে প্রভু নীলমাধব আও সেই গুম্ফারে নথিলে ঠিক সেই সময়ে সেই গুম্ফাকু প্রবেশ করন্তি সবর রাজা বিশ্ববাসু অনেক ফলমূল ধরি প্রভুঙ্কু অর্পণ করিবা সময়ে দেখিলে সেই স্থানরে আও প্রভু নাহান্তি অত্যন্ত রাগি যাই সেঠারে বিদ্যাপতি এবং ইন্দ্রদ্যুম্নঙ্কু দেখি সে ক্রোধরে জর্জরিত হইগলে ঠিক সেই সময়ে শূন্য আকাশরে শূন্যবাণী হেলা শূন্যরে আসি প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কহিলে হে সবর রাজা বিশ্ববাসু মু জারাঙ্কু কহিথিলি অনেক দিন এই গুম্ফারে পূজা পাইসারিবা পরে পুরী শ্রীক্ষেত্রকু যাই চতুর্ধা মূর্তিরে পূজা পাইবি এবং তুম্ভরি পূজা করিবার সময় আজিঠু শেষ হেলা ইহাপরে মু রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নঙ্ক দ্বারা নির্মিত পুরী শ্রীক্ষেত্ররে পূজা পাইবি মোহর ব্রহ্মজ্যোতিকু নেই মোহরি মূর্তি নির্মাণ করি সেই স্থানরে এক মূর্তি স্থাপনা করি মতে পূজার্চনা দেবি ইহাপরে সেই ব্রহ্মজ্যোতিকু নেই পৌঁছি গলে রাজ উয়াসকু কিছুদিন পরে রাজাঙ্কু স্বপ্ন হেলা মোহ দূরে ভাসুথিবা এক কাঠগণ্ডিকু আনি সে প্রভু শ্রী কৃষ্ণঙ্কর চতুর্ধা মূর্তি নির্মাণ করিবে সমস্ত কারিগর মানুষ ডকা হেলা হেলে কোনসি কারিগর মধ্যে সেই কাঠগণ্ডিকু হাত মধ্যে লগাই পারলে না ইহাপরে রাজা অনেক চিন্তার পড়িগলে শেষরে প্রভু শ্রীকৃষ্ণঙ্কর লীলা অপার সে বুড়া বেশরে প্রভু বিশ্বকর্মাঙ্কু সেই স্থানঙ্কু পঠাইলে সেই স্থানরে বিশ্বকর্মা আসি কহিলে হে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মু হচ্ছি এই স্থানীয় অঞ্চলের এক মূর্তি কারিগর যদি মতে সুযোগ মিলে তাহলে প্রভুঙ্কর চতুর্ধা মূর্তি মু নির্মাণ করি আপনার দেখাই পারিবি রাজা অত্যন্ত খুশি হয়ে সেই কারিগরঙ্কু আদেশ দে সেই সময়ের কারিগর এক শর্ত রকিলে এবং সেই শর্তটি হেলা এই গণ্ডিকু নেই গোটিয়ে বন্দ কোঠরীরে রখি দিও এবং একুশ দিন পর্যন্ত মু সেই মূর্তিকু নির্মাণ করিবি একুশ দিন পূরিবা পূর্বরু কেহি মধ্যে সেই কোঠরীকু যিবে নাহি কি কোঠরীর কবাট খোলিবে নাহি খোলিবে নাহি খোলিবে রাজা শর্তকু মানি সেই কাঠগণ্ডিকু নেই সেই বন্দ কোঠরীরে রখি দিলে ইহাপরে মূর্তি নির্মাণ কার্য আরম্ভ হেলা দিন পরে দিন বিতিগলা ফলে রানী
से गुबन कोठरी पाखकु भ्रमण सकाशे आसीथिले एवं से मने मने भाविले बुढ़ा लोकटिए एते दिन हेगला ना किछि खाइछंती ना किछि पान करिछंती एवं से कौनसी प्रकारर मूर्ति निर्माणर शब्द तांक कानकु बाजी नथिला। शेषरे से राजा को डकाई कहिले हे राजा एते दिन बीतीगला किंतु से वृद्ध व्यक्ति जनक बंचिछंती ना मले एवं से कोठरी कौनसी प्रकार मूर्ति निर्माण शब्द आसुना ताहले स्वामी चलो आंभे से कबाटटी को खोली देखिबा से बुढ़ा जनक बंचिछंती ना मरीगले। राजा से समय रे राणी को चेतावनी दे कहिले जे जेतेबेले मूर्ति निर्माण पई से वृद्ध व्यक्ति जनक आग्रह प्रकाश करथिले से एक शर्त रखिथिले एवं से शर्तटी थिला 21 दिन पर्यंत केही मध्य ए कोठरी को प्रवेश करिवे नाही कि कोठरी रो कबाट खोलिवे नाही। सेति पई 21 दिन पूरीबा पूर्वरु आंभे से कबाटटी को खोलिबा नाही हे राणी। एतिकि कहि राजा राणी को आश्वासना देले किंतु राणी मानिले नाही। अनेक कथाबार्ता परे शेषरे समाने से कबाटटी को खोली देले। जेतेबेले समाने से कबाटटी को खोली देले समाने देखिबा को पाइले जे प्रभुंकर मूर्ति अर्थात चतुर्धा मूर्ति अधा गढ़ा होई रही जाइछि। समाने प्रभु श्रीकृष्ण को मुंडियाटिए मारुथिले। ठीक सही समय रे शून्य आकाश रे पुनी थरे शून्यवाणी हला प्रभु श्रीकृष्णंकर। प्रभु श्रीकृष्ण आसी कहिले हे राजा इंद्रदुम्न कथा थिला 21 दिन पर्यंत कबाट न खोलिबा पाई किंतु तुम्हें सही शर्त को रखिलो नाही। जहां बीतीगला यहां परे मोहरे मूर्ति को पूजा अर्चना करिवारो व्यवस्था करो। यहां परे काल विलंब न करी समस्तंकु डाकी जारा सवरंकु मध्य डाकी सेठारे पूजा अर्चनार व्यवस्था कले। सही दिन ठारु प्रभु जगन्नाथंकर पूजा पूरी श्रीक्षेत्र रे हे आसुची।